जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो धीरे धीरे भक्त प्रहलाद कुछ बड़े हुए हैं। जब कुछ बड़े हुए हैं तो आज हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु संडामार्क को बुलवाया, जवाब दिया, गुरु जी हमारा बेटा पढ़ने के योग्य हो गया, आप ऐसा करो हमारे बेटे को अपने साथ में ले जाओ और साथ में ले जा करके इसे राक्षसी विद्या सिखाओ। आजकल महाराज कोई चाहता है कि हमारा बेटा राक्षसी विद्या सीखे, कोई नहीं चाहता, लेकिन हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया है, गुरु जी मैं अपने बच्चे को आपके हवाले करता हूँ, आप इसे ले जाओ, ले जा करके राक्षसी विद्या सिखाना। आज महाराज गुरु शंडावार्क भक्त प्रहलाद को अपने साथ में लिया, साथ में लेने के बाद में स्कूल में आए हैं। स्कूल में आकर के सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक दिन भक्त प्रहलाद ने कहा, गुरुजी हम घूमने के लिए जाएंगे, आप मुझे छुट्टी दे दो। तो महाराज गुरु शंडावार्क ने जवाब दिया है, बेटा आप घूमने के लिए जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन लौट के जल्दी आना। जवाब दिया ठीक है। आज महाराज भक्त प्रहलाद जब घूमने के लिए आए और घूमने के लिए आए हैं तो देखा है एक कुमारी भगवान का नाम ले रही है, प्रभु का नाम ले रही है। भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया, ए बुढ़िया क्या तुझे पता है हमारे पिताजी का आदेश है कि उनके राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा और तू भगवान का नाम ले रही है, क्या तेरी बुद्धि